नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो आप कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुल्लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावन मंत्र जो करेगा आपके सारे कष्टों को दूर, सारे विघ्नों को दूर, सारी रुकावटों को दूर। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको लगभग हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे जो आपके संबंध हैं आज अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन सफल रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग अवश्य लगाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज योजना बनाने और फैसले करने के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरा पालक या हरी सब्जी खिला के फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कुछ नया करने की प्लानिंग करनी है, सोचनी है। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन अच्छा रहेगा और पिछले दिनों से चली आ रही कोई जो समस्याएं हैं वो आज आपको कम होती हुई दिखेगी, उनका समाधान होता हुआ आपको दिखेगा। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें तो आपको ये टिप्स जरूर अपनाने हैं। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी बेटे मयंक के लिए सवाल करेंगे। 10 जनवरी 1994 जन्म तारीख है और सुबह के 3:20 का इनके बेटे का जन्म है। 10/1/94 सुबह के 3:20 जी। जी, सवाल पूछिए ओम प्रकाश जी। आचार्य जी प्रणाम। खुश रहिए साहब। बेटे वाला पूछना है। हाँ पूछिए। मुझे पढ़ाई तो करता नहीं है, अब ये किस क्षेत्र में जाएगा, इसका कमाई का साधन क्या रहेगा और ये अर्निंग कब से प्रारंभ कर देगा, 21 साल का हो गया ये। देखिए, जो बेसिक समस्या इस बच्चे के साथ में है, एक तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है इसका, मूल नक्षत्र कहा जाता है। तो यदि ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा नहीं करवाई हो, पैदा होती 27 दिन में पूजा होती, वो यदि मूल शांत नहीं करवाए हों तो इस किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवा लीजिए। दूसरी जो समस्या है वो इसके दिमाग में, इसके विचार का जो घर है, इसका डिसीजन का जो घर है, वहाँ पे चंद्रमा और राहु दोनों एक साथ बैठे। चंद्रमा नीच का है और साथ में राहु और बैठ गए। चंद्र और राहु जब साथ हो जाते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। इसके निर्णय ही इसके शत्रु हैं, इसकी सोच ही इसकी शत्रु है। जिंदगी में अगर गलत निर्णय लेगा तो कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपकी जो जीवन है वो चलता ही आपके निर्णय से है। अगर आपके निर्णय अच्छे तो आप की लाइफ अच्छी, और अगर आपके निर्णय खराब है तो आपकी लाइफ खराब है। तो एक बेसिक समस्या ये है। वैसे अगर हम इस बच्चे को आगे व्यापार के अंदर डालें
तो निश्चित तौर पे अच्छा काम कर सकता है। लोहे से संबंधित काम इसको फल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कपड़ा कभी इसको काम में नहीं लेना है, उस बिजनेस में नहीं जाना है। सफ़ेद चीज़ों का जो काम है, दूध वगैरह का, ये भी काम इसको नहीं करना है, क्योंकि इसका जो भाग्य स्थान का स्वामी है चंद्रमा, वो नीच का है, वृश्चिक राशि है। एक शनि का छल्ला मध्यमा उंगली में इसको पहना दीजिए और सूर्यास्त के बाद में दूध दही चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए और किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सबसे पहले इसके ग्रहों की शांति करवाइए, तब जाकर इसको फायदा मिलेगा। नौकरी व्यापार के क्षेत्र के लिए एक सोने का सूरज लाल धागे में रविवार के दिन इसके गले में धारण करके रखें। जी तो ओम प्रकाश जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उपाय आपको जरूर अपनाने हैं। पंडित जी लेखराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 1/2/63 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 9:15 का इनका जन्म है। 1/2/63 सुबह के 9:15। जी लेखराज जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। जी पूछिए, सवाल पूछिए लेखराज जी। व्यापार में अड़चन आ रही है। जी व्यापार में अड़चन आ रही है। लेखराज जी, आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त राहु की मध्य दशा चल रही है और शुक्र का प्रत्यंतर। राहु आपकी जन्म कुंडली में मंगल के साथ में बैठा है नीच का होके, मंगल जो है वहाँ पे नीच का होके बैठा है, और जब राहु के साथ वो युति बना लेता है तो अंगारक योग बन जाता है। वहीं द्वादश भाव में सूर्य और शनि दोनों साथ बैठ गए और केतु और बैठ गया है, एक तो उधारी का काम नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। व्यापार के अंदर बहुत ज़्यादा लंबी उधारी नहीं देनी, किसी की जमानत नहीं लेनी, किसी की गारंटी नहीं लेनी, ब्याज बट्टे का काम नहीं करना, जुआ सट्टा लाटरी लेन देन इन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करनी है, शेयर मार्केट का काम नहीं करना है। राहु को शांत करने के लिए एक गोमेद रत्न आता है, उसको मध्यमा उंगली में रविवार के दिन चांदी में धारण कीजिए। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो हर रविवार को भैरव के मंदिर में जाया करिए। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती वहाँ पे भोग के रूप में भैरव जी महाराज को चढ़ाएं। उसके साथ में चूंकि आपके नौकरी व्यापार के क्षेत्र का मालिक जो है वो मंगल नीच का है, तो यदि आप व्यापार में स्थिरता चाहते हैं तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी है। सरसों के तेल का दीपक एक समय अपने घर में ही लगाइए, हनुमान जी महाराज की तस्वीर के समक्ष, और साथ में हर शुक्रवार के दिन, शुक्रवार को अगर आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे कौवे मिल जाएं आपको, तो वो कौवों को आपको शुक्रवार के दिन या तो खीर खिलाना है, नमकीन खिलानी है, या पनीर आप उनको खिलाते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आर्थिक समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिलती है। और जब आपको मौका मिले तो सबसे पहले आपकी कुंडली में जो पितृदोष बना हुआ है उस पितृदोष की किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शांति अवश्य करवा लीजिएगा। जी पंडित जी, गंगानगर से जसविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेटे हर्षदीप के लिए सवाल करना चाह रही हैं। 3/1/94 जन्म तारीख है बच्चे की और शाम के 4:15 से 4:30 के बीच का जन्म है, हर्षदीप नाम है बच्चे का। जी जसविंदर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। जी हर्ष जसविंदर जी सवाल पूछिए। जी पढ़ाई और करियर को लेकर के थोड़ी चिंतित थे पंडित जी। देखिए इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है वो वैसे अगर हम देखें तो बहुत अच्छी मानते हैं, एक तो शनि इसका स्वग्रही है, टेक्निकल लाइन के अंदर मतलब हार्डवेयर लोहा इस तरह के जो लाइनें हैं, मोबाइल इलेक्ट्रिकल इस तरह की जो लाइनें हैं वो इस बच्चे को सूट करती। निश्चित तौर पे चूँकि शनि इसका स्वग्रही होकर बैठा है तो व्यापार के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में ये बच्चा बहुत आगे जा सकता है। शुभ योग सूर्य बुध बुध आदित्य योग इसकी जन्म कुंडली में है, ज़्यादा आपको इस बच्चे के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज थोड़ा सा इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, पुश करने की आवश्यकता है कि हाँ बेटा आप कर सकते हो, आपको करना है। अगर आपने इसको रास्ता दिखा दिया तो आपके 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। एक चूँकि इसको मंगल की मां दशा चल रही है, इसकी हैबिट में डालिए कि एक तो नियमित रूप से अगर हो सके तो इसको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जला के, और उसके अलावा कम से कम बुधवार अगर गौ सेवा करे तो इसके एजुकेशन सेक्टर में और करियर के सेक्टर में बहुत अच्छा जंप इसको मिल सकता है। जी तो जसविंदर जी आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं, बच्चे का भविष्य अच्छा है, बस मेहनत और पंडित जी के उपाय जरूर अपनाने हैं। पंडित जी यहाँ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए।
कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी ईमानदारी से की गई हर कोशिश, हर प्रयास सफल होगा, धन का लाभ होगा। आज किए गए जो करार हैं आपके, वो लंबे समय तक निभेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि एक काम को निपटाने के पश्चात ही दूसरे काम में आज आपको हाथ डालना है। बहुत सारे काम एक साथ मत लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प या सफ़ेद पुष्प अपने पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। निश्चित तौर पर पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि हुआ है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिल सकते हैं। हमारे जो सरकारी नौकरी वाले जो दर्शक हैं, उनके अधिकारों में बाधाएं आ रही हैं, तो आज बाधाएं खत्म हो सकती हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि आज आपको जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर ध्यान देना है, और मन में जो फालतू की जो आशंकाएं हैं, गैर जरूरी जो आशंकाएं हैं, उन पर आज कंसंट्रेट मत कीजिएगा, ध्यान मत दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को घोड़ और हरी सब्जी खिलाइएगा। निश्चित तौर पर पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर आत्मचिंतन करना होगा, सोचना होगा आपको, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो। आज थोड़ा खर्च अधिक हो सकता है, और ये ध्यान दीजिएगा पैसा कमाने में आज कोई भी शॉर्टकट यूज में नहीं लेना है, काम में नहीं लेना, अन्यथा आज आप उलझ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। पूरा दिन आपका जो है वो अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार गुड लक टिप्स दे रहे हैं। पंडित जी कॉलर जुड़ चुके हैं, दयानदाल जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी बेटे लक्ष्मण के लिए सवाल करेंगे। 21 सितंबर 86 जन्म तारीख है और सुबह के 11:55 का जन्म है। जी जी दीनदयाल जी सवाल पूछिए। दयाल दास जी सवाल पूछिए। जी मेरे बच्चे की शादी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी शादी के बारे में देखिए दयाल जी, आपके बच्चे की जो जन्म कुंडली है, उस बच्चे की जन्म कुंडली के हिसाब से अभी देखें तो चंद्रमा की माँ दशा और मंगल का अंतर चल रहा है। निश्चित तौर पर अगले कुछ महीने जो हैं, अगस्त 2015 से पहले पहले इसका विवाह तय हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब इसका समय अच्छा आ गया है। दो तीन चीज़ें हैं, इस बच्चे का जो जन्म है अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। अश्विनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्रों में आता है, तो पैदा होते ही 27 दिन में इस गणमूल नक्षत्र की पूजा होती है। यदि आपने वो पूजा नहीं करवाई है तो आप किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में वो गणमूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। इसकी जन्म कुंडली में चूंकि दाम्पत्य भाव का मालिक शुक्र स्वग्रही है, तो निश्चित तौर पे एक सुलक्षणा पत्नी की इसको प्राप्ति होगी। और बाकी आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। दूल्हे के चेहरे पे जब आपका बच्चा दूल्हा बनेगा तो उसके सेहरा जो होता है उसके ऊपर एक कलंगी लगती है, वो कलंगी ले लीजिएगा, बाजार से नहीं खरीद लीजिएगा, मोर पंखी जैसी जो कलंगी होती है, और कुछ पीली मिठाई है ना, जैसे पीले लड्डू वगैरह, ये लेके पास में कोई भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का कोई मंदिर हो तो गुरुवार के दिन आपको वहाँ जाके वो कलंगी और प्रसाद वहाँ पे भगवान को भोग के रूप में अर्पण कर देना, और ये प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने हैं वो अड़चने दूर हों। निश्चित तौर पर इस उपाय से अगले ही कुछ महीनों में आपके पुत्र के लिए आपको सुलक्षणा बहू की प्राप्ति अवश्य होगी। जी दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपकी परेशानियों को सुलझाएंगे और बताएंगे क्या खास है आज के दिन में आपके लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे दैनिक राशि फल की। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रह सकता है। आज आपको अपने काम से सरोकार रखना है और खुद को प्रसन्न बनाए रखने की कोशिश करनी है, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता की पसंद की
कुछ मिठाई अपने माता पिता को अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्व है वो भविष्य को दें, न कि वर्तमान को। यदि आज आप समझदारी से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी तरक्की का या बड़े लाभ का मार्ग आज खुल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप के व्यापार में आज आपको फायदा हो सकता है, लेकिन लेन देन में आज अपने पार्टनर को साथ में रखिएगा। पैसों के मामले में अन्यथा कोई बगैर बात का विवाद हो सकता है। कोई भी फैसला आज अगर आप लेते हैं तो वो ठोस तर्कों पे आधारित होना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में अमरूद के फलों का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशि के बारे में बात करने से पहले कॉलर जुड़ चुकी है कमला जी, डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। 17:56 सुबह के 11 बजे। जी सवाल पूछिए कमला जी। हाँ जी हेलो, जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मेरे को ये पूछना है पंडित जी कि मेरे 12 साल हो गए, पति की भी ऐसी हार्ट अटैक से डेथ हुई और बच्चे हैं जो कहना नहीं मानते हैं, मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती है और हमेशा टेंशन रहता है दिमाग में। नहीं जी, देखो कमला जी, आपको अब शनि की माँ दशा जो है वो बिल्कुल उतरने वाली है। पिछले 19 साल से, सन 1997 से 1997 से आपको शनि की माँ दशा चल रही थी और ये अगले साल शनि की माँ दशा उतर जाएगी। उसके बाद में बुध की माँ दशा शुरू होगी। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, जो चीज़ें जा चुकी हैं वो तो वापस नहीं आ सकती, इंसान वापस नहीं आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका अच्छा समय आएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे वो धन का सुख हो चाहे वो शरीर का सुख हो, निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखें और प्रतिदिन एक समय घर में ही सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष लगाएं और साथ साथ में नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाइए और सोते समय जो अपना सिर है वो पूरब दिशा में रखने का प्रयास कीजिए, या अगर दक्षिण दिशा मिले तो वहाँ पर रखने का प्रयास कीजिए। एक महत्वपूर्ण उपाय और मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके घर के कलह कलेश को खत्म कर सकता है। आपको उसमें करना यह है कि आपके घर का जो ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम में एक नृत्य करते हुए गणेश जी, डांसिंग पोज में जो गणेश जी हों, उनका एक पोस्टर बाजार से खरीद लाइएगा और आपके घर का जो ड्राइंग रूम है उसकी जो उत्तर दिशा वाली जो दीवार है वहाँ पे आप उस पोस्टर को लगा दीजिए, डांसिंग गणेश जी, नृत्य करते हुए गणेश जी। निश्चित तौर पे अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर, घर के अंदर जो कलह कलेश का जो वातावरण है उसमें बहुत ही बदलाव आपको होता हुआ दिखाई देगा। जी कमला जी, धैर्य रखिए, उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को अपनाने से आपकी जिंदगी में गुड लक फिर से लौट आएगा। पंडित जी, हमारे पास ढेरों मेल्स आते हैं। आज यशवंत जी मेल करते हैं, 30/7/93 इनकी जन्म तारीख है, 30/7/93 और दोपहर के 12:10 का इनका जन्म है। जी बेटे, पंडित जी जानना चाहते हैं कि इन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्या इन्हें कार्ड्स में कुछ शुरू करना चाहिए व्यवसाय के मामले में। देखिए बेटा, शुक्र की माँ दशा आपको चल रही है, उसमें बुध का अंतर है। बुध आपके जन्म कुंडली में स्वग्रही होके बैठा है, निश्चित तौर पे भाग्य जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। मेहनत के हिसाब से आपकी कुंडली के अंदर जिस तरह के योग बन रहे हैं, टेक्निकल लाइन में भी यदि आप जाते हैं, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल्स, इस तरह के काम आप करते हैं तो भी आपको सक्सेस मिलती। और उसके अलावा यदि आप कपड़े के लाइन में जाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता आपको मिल सकती है। और एक और विशेष चीज़ जो यह है कि फैंसी आइटम से रिलेटेड कोई भी काम मत कीजिएगा, इस तरह का गिफ्ट आर्टिकल वगैरह के जो शॉप्स हैं उस तरह के काम मत कीजिए। एक आपको पन्ना रत्न यदि मिल जाए अच्छा पीस, तो सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन सोने में उसको धारण करके रखिए और नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य कीजिए। आने वाला जो समय है आपके व्यापार में 4 चांद लगाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी आइए, इन गुड लक टिप्स के साथ ही अंतिम राशियों की बात करते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं,
आज की गई आपकी जो मेहनत है वो आज आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाएगी, सकारात्मक परिणाम दिलाएगी, व्यापार निश्चित तौर पे अच्छा चलेगा। ध्यान रखिएगा, दूसरों के विवाद में, झंझट में या झगड़े में आज अपने आप को नहीं फंसाना है, बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको सोच समझ कर व्यवहार करना है। आज यदि आप प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर सुख आनंद की प्राप्ति दिन भर आपको महसूस होगी। दूसरों की बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक से समझे बगैर किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिएगा आज के दिन। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको खुद पर भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और आगे बढ़कर सारे काम करने हैं। बनाई गई जो योजनाएं हैं उनमें सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें किसी के साथ बात इस तरह से ना बिगाड़े कि फिर उसे संभालना कठिन काम हो जाए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा या कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, पार मंत्र से पहले हम एक कॉलर लेना चाहेंगे। अलवर से नीतो जी आपसे सवाल करना चाहती है। कुंडली की डिटेल्स हैं 22/7/2002, सुबह के 7:05 का जन्म है। जी नीतो जी, सवाल पूछिए। हाँ मैम, पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो पढ़ाई में कमजोर है थोड़ा, और बाप नहीं मानता, जिद्दी है, एक नंबर का। जी नीतू जी, दो चीजें हैं। एक तो ये बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, पूरे मूल में मूल नक्षत्र तृतीय चरण इस बच्चे का। तो यदि आपने पैदा होते ही 27 दिन में इस बच्चे के मूल शांत नहीं हुए हों तो सबसे पहला काम तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल नक्षत्र की शांति करवाइए। दूसरा, ये बच्चा मांगलिक है और मंगल नीच का होकर इसके लग्न में बैठा है, दिमाग में बैठा, और एजुकेशन हाउस का, पढ़ाई के घर का स्वामी मंगल जो है वो नीच का है। बहुत ज़्यादा शिक्षा इस बच्चे के भाग्य में नहीं है, शिक्षा में इसका मन नहीं लगेगा। वैसे बहुत समझदार है क्योंकि देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं उच्च के होके बैठे, समझदारी है, लेकिन उस समझदारी को काम में नहीं लेना। बच्चे की आदत डालिए कि नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। व्यापार में सफल व्यक्ति बन सकता है, लोहे के क्षेत्र में सफल व्यक्ति बन सकता है, हार्डवेयर वगैरह लाइन के अंदर, लेकिन अभी बहुत छोटा है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि किसी पंडित से वहाँ बात करिए, इसकी ग्रह शांति करवाइए, मूल नक्षत्र की शांति करवाइए, इसके वजन के बराबर गुड़ लीजिएगा, गौशाला जाइएगा, गौ माता को खिलाइएगा और प्रार्थना करिएगा कि मेरे बच्चे के जो ग्रहों में कमी है उसको दूर करें और मेरे बच्चे को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, शिक्षा के क्षेत्र में ये नाम करें, इस तरह का आशीर्वाद प्रदान करें। ये भावना करते हुए इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिए। जी आइए आखिर में जान लेते हैं आज का पावर मंत्र भी। बिल्कुल, आज बुधवार का दिन है और भगवान श्री गणेश जी महाराज का दिन है। विशेष मंत्रों से उनकी जो पूजा है अत्यंत फलदायी मानी गई। सभी विघ्नों से, सभी संकटों से बचाकर जीवन का जो हर सपना है, हर इच्छा है, उसको पूरा करने वाली मानी गई है। भगवान गणपति की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक ऐसा गणेश मंत्र बता रहा हूँ जो कि आपके हर प्रकार के कष्ट को, विघ्न को दूर करेगा। लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है। सिंपल सा मंत्र है, ज़्यादा हार्ड नहीं। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में या देवालय में पीले हरे वस्त्र पहनकर भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। आपको सिंदूर अर्पण करना है, दुर्वा गंध अक्षत अबीर गुलाल सुगंधित फूल जनेऊ अर्पण करनी, सुपारी पान मौसमी फल दक्षिणा भगवान को अर्पण करनी है, भोग में लड्डू अर्पण करने हैं, और पूजा के पश्चात में पीले हरे आसन पर बैठकर भगवान श्री गणेश जी का इस मंत्र से कम 108 बार उनका जाप करना है। जाप के पश्चात में आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, प्रसाद सबके अंदर बांटना है। निश्चित तौर पे भगवान गणेश की कृपा से आपके, चाहे व्यापार में समस्या हो, चाहे आपके घर में समस्या हो, चाहे आपके शरीर में समस्या हो, सभी कष्टों से, सभी विघ्नों से आपको मुक्ति मिलेगी।
तो दर्शकों आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।